अस्सलाम वालेकुम। आज थर्ड लेक्चर के साथ हाजिर हूँ। तो फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर में हमने 25 MCQs पढ़े थे, 50 MCQs हो गए थे। बहुत इम्पॉर्टेंट पेपर है ये, रिलेटेड टू PSC। तो आज हम 51 से ऑनवर्ड 25 MCQs पढ़ेंगे। तो फर्स्ट MCQs है, हम इसको स्टार्ट करते हैं। टू मेक द कॉन्टेंट परमानेंट इन द माइंड ऑफ अ स्टूडेंट इज कॉल्ड लर्निंग, फीडबैक, रिटेंशन, रिकॉलिंग। तो 51 का आपके पास आ जाएगा ए, लर्निंग। ठीक है, टू मेक द कंटेंट परमानेंट इन द माइंड ऑफ अ स्टूडेंट, तो ये लर्निंग होगा। नेक्स्ट आपके पास है नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 1979 put emphasis on special education, elementary education, secondary education या higher education। तो 52 आपके पास आ जाएगा ए, special education। नेक्स्ट आपके पास है 53, in cognitive domain the highest level of learning is knowledge, evaluation, comprehension या सिलेबस। तो 53 का आपके पास आ जाएगा बी, एवोल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है द सोर्स ऑफ अचीविंग एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स इज मेनली बेस्ड ऑन करिकुलम एजुकेशन एवोल्यूशन, डेवलपिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ करिकुलम या फ्रेमिंग स्टूडेंट एक्टिविटीज या इम्प्लीमेंटेशन ऑफ करिकुलम। तो 54 का आपके पास आ जाएगा डी। नेक्स्ट आपके पास है द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इज रिगार्डेड एज प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट, एडवांसमेंट या प्रोग्रेस। तो 55 का आपके पास आ जाएगा बी, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब हम मूव करेंगे 56 की तरफ। तो आपके पास है 56, टीचर एफिशिएंसी विल इंक्रीज मोर इफ ही प्रोवाइडेड प्लेंटी ऑफ बुक्स एंड जर्नल्स फॉर रीडिंग या गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू प्रैक्टिस व्हाट ही लर्न्स या इज एबल टू यूज मॉडर्न टेक्नोलॉजी या प्लेस्ड अंडर स्ट्रिक्ट मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन। तो 56 का आपके पास आ जाएगा सी। ठीक है, is able to use modern technology. Next 57 आपके पास, the great method of teaching by naturalists is discussion, study, tools, role playing या playway. तो 57 का आपके पास आ जाएगा D, playway. ठीक है, आपके पास the great method of teaching by naturalists is playway से बेस्ट है। नेक्स्ट आपके पास है 58, हु इज नॉट द करिकुलम एक्सपर्ट, हिल्दा, तबा, एसएस शोर, एलआरगे या मैरी प्रिंट। तो 58 का आपके पास आ जाएगा सी, एलआरगे। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है सम एक्स्ट्रा एंड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट्स थ्रू एक्टिविटी करिकुलम, कोर करिकुलम, सब्जेक्ट करिकुलम या आपके पास हिडन करिकुलम। तो 59 का आपके पास आ जाएगा बी, कोर करिकुलम। ठीक है, सम एक्स्ट्रा एंड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड टू दी स्टूडेंट थ्रू कोर करिकुलम। ठीक है, अब हम 60 की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 60 नंबर। तो इसको अब हम देखेंगे। Integrated curriculum has been mainly developed by classes 1 to 5, 1 to 3, 1 to 7 या आपके पास 7 to 8। तो यह आपके पास आ जाएगा 60 का आपके पास आ जाएगा B। ठीक है, 1 to 3।
profession in the field of education is serving the purpose of training the teachers remain in the field forever, provide service to the humanity, upgrade the textual material. तो 61 का आपके पास आ जाएगा C, यानी कि provide service to the humanity. Next आपके पास 62 है. हम 62 की तरफ मूव करेंगे नाउ. 62 है आपके पास. First method is mean to investigate, to show, to do, to act. Very important MCQs है. इसका आपके पास to investigate. ठीक है, first method is mean to investigate. 63 आपके पास आ जाएगा. Who invented the deductive methods for teaching? सुकरात था, जॉन लॉक था, प्लाटो था या अरिस्टोटल था? Deductive methods for teaching. तो 63 आपके पास आ जाएगा डी, ये अरिस्टोटल था. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. नेक्स्ट 64 है, डिवाइडिंग द वर्क इनटू डिफरेंट टास्क एंड ऑर्गेनाइजिंग इट इज कॉल्ड जॉब टाइटल, जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब एवेल्यूएशन, जॉब डिस्क्रिप्शन. तो 64 का आपके पास आ जाएगा डी, जॉब डिस्क्रिप्शन आ जाएगा. ठीक है, डिवाइडिंग द वर्क इनटू डिफरेंट टास्क. नेक्स्ट 65 है, इन आइडियलिज्म चेंज कर फास्ट स्लोली डू नॉट अकर या विद एवरेज स्पीड. आइडियलिज्म चेंज, तो 65 का आपके पास आ जाएगा बी, स्लोली स्लोली. ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है 66, द स्पान ऑफ इयर्स ड्यूरिंग विच बॉयज एंड गर्ल्स मूव फ्रॉम चाइल्डहुड टू अडल्टहुड मेंटली इमोशनली socially and physically is called late childhood, infancy, adolescence या adult years. तो 66 का आपके पास आ जाएगा C, adolescence. Next आपके पास है 67. अब हम 67 की तरफ मूव करेंगे. तो 67 में कहते हैं कि education is not pre-planned in formal education, informal education, non-formal education, other education. यानी कि pre-planned ना हो तो कौन सी education होगी? 67 का B, informal education इसको कहेंगे. ठीक है, next आपके पास है evaluation is related to numerical value, value judgment, qualitative value या learning speed. तो 68 का आपके पास आ जाएगा B, value judgment. ठीक है, evaluation is related to value judgment. Headmaster's role of academic guidance and assistance to teacher is called administrator role, supervisory role ya manager role ya executive role. To 69 ko aapke paas aa jayega A, administrator role, headmaster ka jo hota hai. Theek hai, next aapke paas hai mini culture can be seen in home, school, functions, classroom. तो 70 का आपके पास आ जाएगा B, support. ठीक है, अब हम 71 की तरफ move करेंगे. Now move towards 71 MCQs. तो 71 आपके पास MCQs है, इसको अब हम पढ़ेंगे. 71, mini culture can be seen in होम, स्कूल, फंक्शंस या क्लासरूम. मिनी कल्चर जो है वो कहाँ पे देखा जा सकता है? 70 का आ जाएगा बी, स्कूल में. ठीक है, तो एन आउटलाइन ऑफ द टॉपिक्स ऑफ अ सब्जेक्ट टू बी कवर्ड इन स्पेसिफिक टाइम इज कॉल्ड करिकुलम, टेक्स्ट बुक, सिलेबस या टीचर गाइड. तो 71 का आपके पास आ जाएगा सिलेबस. ठीक है, स्पेसिफिक टाइम में सिलेबस आपके पास जो है वो outlines of these topics of a subject to be covered in specific time वो syllabus ही हो सकता है. ठीक है, the committee is responsible to finalize the curriculum up to secondary level in Pakistan. National Curriculum Committee, Teachers Curriculum Committee या Textbook Committee या Curriculum Bureau. Very important MCQs है. 72,
तो 72 का आ जाएगा आपके पास ए, नेशनल करिकुलम कमेटी। 73 है आपके पास, अकॉर्डिंग टू ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स द साइकोमोटर डोमेन डील्स विद इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज, फीलिंग और इमोशंस, या मैनिपुलेटिव एंड साइकोमोटर स्किल्स, या एस्थेटिक एबिलिटीज। तो 73 को आपके पास आ जाएगा सी, ठीक है, मैनिपुलेटिव एंड साइकोमोटर स्किल्स। 74 आपके पास, द मेजर इंपैक्ट ऑफ द एलिगर मूवमेंट वाज पॉलिटिकल ट्रेनिंग, टीचिंग ऑफ इंग्लिश, सोशल एक्टिविटीज, या रिलीजियस एक्टिविटीज। तो 74 का आ जाएगा आपके पास ए, पॉलिटिकल ट्रेनिंग, द मेजर इंपैक्ट ऑफ द एलिगर मूवमेंट जो थी, ठीक है। अब हम लास्ट वन 75 की तरफ मूव करेंगे। 75 हमारे पास है लास्ट इस लेक्चर का, वो है इन मोटिवेशन प्रोसेस द एप्रिसिएशन बाय द हायर मैनेजमेंट डीयू इज कंसीडर्ड एज एक्सट्रिंसिक रिवार्ड, एक्सट्रिंसिक रिवार्ड या इंट्रिंसिक रिवार्ड या इंस्टीट्यूशनल रिवार्ड या स्टूडेंट्स इंस्पिरेशन। तो 75 का आपके पास आ जाएगा ए, एक्सट्रिंसिक रिवार्ड, ठीक है। ये 75 एमसीक्यूज आपके पास कंप्लीट हो गए, ये थर्ड लेक्चर था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के लिए आपके पास हाजिर होंगे। तो आपने अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, और ताकि नेक्स्ट, और बेल आइकन को भी आप ऑन कर लें ताकि नेक्स्ट लेक्चर आए तो आपको पता चल सके और आप ESC और NTS की बेहतरीन तैयारी कर सकें।